वो कॉपी आपने के कमर्शियल वाली रेसिडेंशियल वाली दोनों है जी। अच्छा रिस्पॉन्स कैसा है? सुबह मॉर्निंग जो बात करने लोगों जा रहे थे और आपके हाथ में पेपर जी? नहीं दरअसल क्या है, दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जब हम किसी के दूर पे जाते हैं तो वहाँ अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। कोई हमारा वेलकम करता है, कोई जाने को बोलता है, लेकिन ये हमारा काम है, हमें लोगों को संदेश देना है, अच्छा संदेश देना है। बीकानेर न्यूज़पेपर जो हमारा है वो दुनिया को सच बताना चाहता है, उस सच के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए, तो वही लेकर हम लिखते हैं। अब लोग अलग अलग तरीके का हमें मिलते हैं, कुछ गाली भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका वेलकम करते हैं। तो क्या प्राउड टू बी इंडियन, हम हिंदुस्तानी, सबकी कदर करते हैं माशाल्लाह। आप ये बताइए मुझे कि एक साइकिल पे लेके जा रहा है पेपर बांटने और आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी खड़ी करके फिर पैदल निकलते हैं में डोर टू डोर, वो फीलिंग बताइए वो कैसा लगता है? नहीं देखिए वो फीलिंग जो होती है ना बहुत प्राउडली होती है। उसमें इसलिए होता है क्योंकि जो मेरी कंपनी के ऑनर हैं सैयद फैज मुबारक जी, उन्हीं की कंपनी है, बहुत सारे यूनिट्स हैं उनके, तो जो मुझे पावर मिली, जो अंदर से मुझे खुशी मिली, पहले मेरा भी थोड़ा मन गिल्टी गिल्टी हुआ कि यार मैं कैसे बांटूंगा, लोग मिलेंगे, कुछ मेरी पहचान का भी मिलेंगे, मैं कुछ बताता हूँ लोगों को, लोग कहेंगे आगे सुबह मॉर्निंग में पेपर बांट रहा। लेकिन फिर जैसे मैंने अपने ऑनर को देखा तो मैंने बोला जो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं जब वो ये चीज़ कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई, एक दुनिया के तीसरे नंबर का एक पैसा वाला इंसान है, उसने अपनी स्टार्टिंग भी न्यूज़पेपर बांट के की थी। उनकी बात कर रहे हैं जी? हाँ बिल्कुल, ये वो शख्स है ये सैयद फैज मुबारक जी ने ही लिखा है, इनके बारे में बताया। तो मैंने बोला जब ये लोग सब कर सकते हैं तो फिर हम क्यों कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल उन्होंने मेरा कि आप अंधेरे में निकलते हैं 3 बजे, तो ये टेरर आपको अंधेरा से डर तो नहीं लगता कि मैं ये काम करने अकेले जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं मिलेगा, सुनसान है या कोई मुझे घेर लेगा, इस तरह का कोई खौफ तो नहीं है आपको अपने काम से लेके? नहीं सर देखिए खौफ तो नहीं है, बस ये सोच के निकलता हूँ मैं कि कुछ काम जो होते हैं वो जाने में नहीं कर सकते हैं, अंधेरे में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बहुत से न्यूज़पेपर हैं जो सबके पास जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा न्यूज़पेपर जल्दी पहुँचे, लोग उसको पढ़ें, क्योंकि अभी हम लोग का स्टार्ट है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग हमारी चीज़ पहले पढ़ें। वो तो हर इंसान जो भी इसका प्रोजेक्ट करता है वो चाहता है कि पहले वो देखें, तो इसलिए हम जाते हैं। अंधेरे में डर की कोई बात नहीं है, सारा भोपाल सारा शहर हमें जानता है, हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, SMM ग्रुप, उसका ये छोटा सा यूनिट है बीकाउट हमारे, और बड़े बड़े यूनिट्स हैं तो ज़्यादातर हमें लोग जानते हैं, तो हमें अपने पहचान बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस कोई क्या कहना चाहूँगा, बस मैं चाहूँगा कि लोग हमारा मैसेज देखें और जो हम सच के राह पे चल रहे हैं। देखिए हमारे जो न्यूज़पेपर है बीकाउट, उसमें हम ब्लैकमेलिंग नहीं करते, गंदी तस्वीरें नहीं डालते, लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, लोगों की सक्सेस के बारे में बताते हैं, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो मैसेज जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी, सोशल राइट हमारा खुद का सोशल नेटवर्क है जहाँ पर बहुत लोग जुड़ रहे हैं, हम उसको भी प्रमोट करते हैं। दूसरे लोग जो अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं हम उनको भी प्रमोट करते हैं, एक तरीके से हम ये नेक राह पे चल रहे हैं। मुश्किलों का थोड़ा सामना आएगा हमें, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आने वाले वक्त में आपको बताऊँगा वीकआउट दुनिया का नंबर 1 न्यूज़पेपर होगा। थैंक यू।